मामला कस्बा पनवाड़ी का है, जहां कोटपुरा निवासी लगभग 10 वर्ष से पानी की किल्लत झेलते आ रहे थे, जो लॉकडाउन में और ज्यादा समस्या से ग्रसित हो गए थे। लॉकडाउन के बावजूद जिला पंचायत सदस्य संजय विक्रम सिंह परिहार की सेवाएं, कार्यशैली व नगर वासियों में हो रही थी प्रशंसा। लगभग 10 साल बाद मिली ग्रामीणों को पेयजल की सौगात। ग्राम पनवाड़ी के कोटपुरा मोहल्ले में कुशवाहा समाज के लगभग 600 लोगों को लंबे अरसे से पेयजल की भारी किल्लत थी। ग्रामीणों द्वारा करीब 500 मीटर लंबी पाइपलाइन लगभग 10 वर्षों से प्रस्तावित की, लेकिन सरकार द्वारा जल संस्थान को अभी तक कोई बजट नहीं दिया गया था, जिससे ग्रामीणों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा था। पाइपलाइन के बजट के लिए ग्रामीणों ने कई बार डीएम सहित कई जिला प्रशासनिक अधिकारियों और जल विभाग के उच्च अधिकारियों एवं अब तक उनके द्वारा चुने गए सांसद एवं विधायकों के पास अनेकों बार गुहार लगाई गई, लेकिन कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई की जगह केवल हाथ लगी तो निराशा। और मार्च के महीने से चल रहे लॉकडाउन में ग्रामीणों की किल्लत और ज्यादा बढ़ गई। सभी ग्रामीणों ने मिलकर अपनी समस्या जिला पंचायत सदस्य एवं पूर्व प्रधान संजय विक्रम सिंह परिहार से बताई, तो उन्होंने लॉकडाउन के बावजूद उच्च अधिकारियों से संपर्क करके पाइपलाइन की अनुमति लेकर अपने निजी रकम खर्च कर संजय विक्रम सिंह परिहार एवं जल संस्थान के कर्मचारी विजय रैपर की मौजूदगी में लगभग 500 मीटर पाइपलाइन डलवाकर ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराया गया। राजनीतिक कार्य के बजाय उनके इस सेवार्थ कार्य का सभी ग्रामीणों ने शुक्रिया अदा किया। एक दूसरे को सभी ग्रामीणों ने शुक्रिया अदा किया, मिठाई खिलाकर जश्न मनाकर संजय विक्रम सिंह परिहार का स्वागत किया। संजय विक्रम सिंह परिहार के इस महान कार्य को देखते हुए जी न्यूज इंडिया ऐसे बार बार योद्धा को धन्यवाद करता है तथा कामना करता है कि ऐसे वीर योद्धा को हमेशा उनके जीवन में उन्नति मिलती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज इंडिया। सर, ये जो कोटपुरा में लैंड डलवाई गई है, तो ये सरकारी व्यय से की गई है कि आपने निजी खर्चे से की है? ये समस्या बड़ी लंबे अरसे की एक समस्या थी और इन मोहाल वासियों ने तमाम स्तर पर शिकायत भी की, लेकिन विभाग का कहना था, जल संस्थान का, कि शासन से या किसी भी जनप्रतिनिधि की निधि से कोई बजट न मिलने के कारण ये पेंडिंग में काम पड़ा। और जब हमारे संज्ञान में ये एक महीने करीब 15 दिन पहले आई बात, तो हमने प्रयास किया तो सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि पैसा का अभाव है, धन का अभाव। तो हमने उच्च अधिकारियों से बात करके